हेलो क्यूटी पाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रेया ब्यूटी एंड फैशन में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो अपने थंबनेल से और टाइटल से जान ही लिया होगा, आज का वीडियो होने वाला है मीशो ह्यूज फुटवेयर हॉल। तो इस बार मैंने मीशो से पिक किए हैं कुछ फ्लैट्स, हील, शूज़ और मोजरीज। तो इन सब का रिव्यू मैं आपके ट्राई ऑन के साथ बताते रहूँगी कि कैसा आया है और चलने में कम्फर्टेबल है या नहीं है, मटेरियल कैसा है, तो ये सब मैं आपको बताते चलूँगी। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और अगर आपने चैनल पर पहली बार ट्यून इन किया है तो और मेरे कंटेंट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक। मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल, तो एक बार मेरे चैनल को चेकआउट जरूर करिएगा। सब फुटवेयर का साइज़ मैंने 5 पिक किया है और सबके कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहला फुटवेयर है वो है इस तरीके का है। ऊपर के साइड ना आपको मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी से वर्क किया गया है एंड अंदर की तरफ ना कुशनेबल है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर लो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है इसका लुक, इस तरीके का है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत प्यारा सा भी लग रहा है मेरे पैरों में। तो इस तरीके का है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। मैं 5 पहनती हूँ जनरली, मुझे पता नहीं 5 मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा हो गया है। क्या पता आगे से था ये खुल जाएगा, क्योंकि जुत्तीस जो होती है वो आगे से थोड़ी खुल जाती है, क्योंकि अभी स्पेस है इसमें आगे जाने के लिए पैर। तो आई थिंक फिट बैठेगा मैं तब मेरे पैरों में। तो इस तरीके का है एंड थ्रेडिंग वर्क भी बहुत ही अच्छा किया गया है और मटेरियल भी अच्छा है, तो आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट फुटवेयर है वो है इस तरीके का, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। ये तो शोज टॉपर है मेरे आज के वीडियो का। बहुत ही अच्छा फ्लैट है ये। इस तरह ऊपर की तरफ आपको ऐसे बो दिया गया है एंड नीचे की तरफ इस तरह मल्टी स्टोन से आपको काम किया गया है। बहुत ही प्यारा एंड पार्टी वेयर पीस भी है, आप किसी पार्टी में भी पहन के इसको आराम से पेयरअप करके जा सकते हो, बहुत ही प्यारा है। तो चलो इसका ट्राई ऑन हॉल भी देख लेते हैं। यह इसका लुक, वाओ कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार। पार्टी वेयर फुटवेयर है ये बिल्कुल। अगर आप हील्स नहीं पहनते हो तो आप इस तरीके के फुटवेयर में जा सकते हो। फुटवेयर साइज़ 5 है आई थिंक, जब मीशो में मंगवाएंगे तो आप एक साइज़ बड़ा ही मंगवाना यार, क्योंकि ये लोकल ब्रांड्स का कुछ पता नहीं होता है। इससे अगर कुछ ब्रांड ब्रांड मंगवाती हूँ तो मैं 5 ही मंगवाती हूँ, लेकिन मीशो में मुझे लग रहा है अब 6 ही मंगाना पड़ेगा। तो साइज़ देखो आप, छोटा हो गया यार। तो वैसे अच्छा है, कंफर्टेबल भी है और चलने में भी बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फुटवेयर जो है वो इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा है ये भी। जो कोरियन वाले आजकल चल रहे ना फुटवेयर, उस टाइप के फुटवेयर में है। इसमें थोड़ा सा 1 इंच का हील है, आप इसको आराम से रेनी सीजन में भी आप इसको वेयर कर सकते हो। तो इसका ट्राई ऑन हॉल चलो देख लेते हैं। अरे यार क्या भेज दिया इन्होंने, साइज़ तो देखो ज़रा। साइज़ मंगवाया था मैंने, बहुत ही छोटा आ गया यार। ये तो कंफर्टेबल है, कुशन ऐसा लग रहा है कि कुशन के ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छा है अगर रेनी सीजन के लिए आप सोच रहे हो। लेकिन साइज़ जो है आप एक साइज़ अब बड़ा ही मंगाना, ये तो मुझे छोटा पड़ गया है बिल्कुल ही। और इसका प्राइस के हिसाब से भी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और चलने में भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस तो ठीक ही है, आप देख सकते हो उसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है और उसमें और भी सेट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट मैंने मंगवाया एक शूज़, वो है इस तरीके का, बहुत ही ब्यूटीफुल से शूज़ है। इसका कलर कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा पीस है ये भी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका लुक कितना परफेक्ट है, इसका साइज़ तो, इसका साइज़ तो परफेक्ट आया है। बाकी फुटवेयर्स के साइज़ जो है उसमें इशूज़ हो रहे हैं, एक साइज़ बड़ा ही मंगवाना पड़ेगा। तो इस तरीके का है ये मटेरियल और चलने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा भी लग रहा है मुझे तो। नेक्स्ट फुटवेयर है इस तरीके का, ही प्यारा है, ऊपर से डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, अंदर की तरफ ना कुशनेबल है वो भी अच्छा है। लेकिन मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि ये ऊपर की तरफ ना बहुत फिसलन जैसा है यार। मुझे तो लगता है जब इसको चलोगे ना तो आवाज़ भी करने वाली है और थोड़ा स्लीपरी टाइप भी लग रहा है मुझे, तो ट्राई ऑन हॉल देख के पता चलेगा। चलो ट्राई ऑन हॉल देख लेते हैं। तो ये है इसका लुक, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कंफर्टेबल भी है। लेकिन मैंने आपको बताया ना नीचे से थोड़ा स्लीपरी है। अगर आप, मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, ये देखो अगर आप चलोगे तो आवाज़ ज़रूर आएगी
अगर आपको आवाज़ पसंद नहीं है तो ये आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। वैसे बहुत ही क्लासी लग रहा है ये फुटवेयर्स। इसका हील साइज़ भी परफेक्ट है यार, 2 इंच का आपका हील है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा फुटवेयर है ये भी। बस ये है कि थोड़ा साइज़ का इशू है और नीचे से थोड़ा सा स्लिपरी सा लग रहा है। अगर बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो। इस बार मैंने पिक किए हैं बहुत ही प्यारे से हील्स, इस तरीके के हील्स है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कितना प्यारा है, इसको तो देख के मेरा दिल आ गया। अगर आप हील्स पहनना पसंद करते हो और अगर आपकी हाइट छोटी है और आप हील्स पहनना पसंद करते हो तो इस तरीके के हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, कितना अच्छा लुक है, सिंपल एंड सोबर सा लुक है। इसका मटेरियल है ये है वेलवेट की, और वो नीचे की तरफ भी ना बहुत ही अच्छा मतलब ग्रिप वाला मटेरियल लगाया गया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्लिपरी सा है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसकी हील की जो हाइट है वो 5 इंच है। और चलो इसका ट्राई एंड पार्ट करके देख लेते हैं कैसा है ये। तो ये है इसका लुक, बहुत ही प्रिटी सिंपल एंड सोबर सा लुक है इसका, और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप हील नहीं पहनते हो तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, अगर आप पहनते हो तो आप डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। और मेटल भी बहुत अच्छा है और अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही काफ़ी बेटर है यार, 300 समथिंग का है ये, तो उसके प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा भी है। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आप 1000 से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हील में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप हील पहनते हो तभी आप इस पर इन्वेस्ट करिएगा। इन सब फुटवेयर का साइज़ मैंने 5 पिक किया है, लेकिन ना जो कुछ सैंडल्स में ना मेरे साइज़ जो है वो छोटा पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं ब्रांडेड कुछ भी मंगवाती हूँ ऑनलाइन तो मैं 5 साइज़ ही ऑर्डर करती हूँ, लेकिन शायद ये लोकल ब्रांड में ना कुछ इशू रहता ही है। तो कुछ सैंडल्स में मेरी साइज़ ना बहुत ही छोटा पड़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से एक साइज़ आप मंगवा सकते हो। ये थे कुछ मीशो के फुटवेयर जो इस बार मैंने पिक किए थे। इनमें से कौन सा फुटवेयर आपको बहुत अच्छा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब राखी भी आ रहा है तो मैं राखी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आईडी पर फ्लैश हो रहा होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।